हृदय में भक्ति होती है, जिसके विचारों में परमात्मा का निवास होता है। जय जय परशुराम, जय जय परशुराम, प्रीतम लोधी, प्रीतम लोधी, प्रीतम लोधी जी ने जो कहा है कि ब्राह्मण लोग नृत्य करवाते हैं या माताएं नृत्य करती हैं, उन्होंने केवल ब्राह्मणों के ऊपर टिप्पणी नहीं की है, ये उन माताओं के ऊपर भी टिप्पणी है जो नृत्य करती हैं। तो मीरा जैसी माताएं हैं, जो नरसिंह मेहता जैसे भगत हैं, इन लोगों के ऊपर भी उन्होंने टिप्पणी की है, तो उसके लिए तो पूरा भारतवर्ष ही उनके लिए विरोध प्रकट करता है। ये बड़े दुख की बात है कि ब्राह्मण का अपमान हुआ है। ब्राह्मण के अपमान नहीं होने के कारण ब्राह्मण हमेशा पूजनीय होता है, ब्राह्मण हमेशा पूजनीय है और पूजनीय रहेगा। ब्राह्मण अपने कर्मों से परिपूर्ण है और ब्राह्मण का जो अपमान करेगा उसका पतन विनाश होगा और विनाश की ओर ही वो जाएगा। ये ब्राह्मण सत्यमेव जयते, सत्य की हमेशा विजय होगी, असत्य का हमेशा जय जय। आप बताइए, प्रीतम लोधी जी ने जो कहा है उसकी तो ब्राह्मण समाज बहुत निंदा कर रहा है, लेकिन मेरा उस जगह इस दाने ब्राह्मण समाज से अनुरोध भी है कि प्रीतम लोधी और उसके परिवार का एक सामाजिक बहिष्कार करें, उसके यहाँ कोई भी धार्मिक अनुष्ठान करने ब्राह्मण नहीं जाए। मैंने लिख दिया है। इसके कारण अपने आप ही उन्हें अपनी गलती का एहसास होगा, मात्र शक्ति का अपमान जो किया है उन्होंने उसका एहसास होगा, उस परिवार का अपने आप विघटन और पतन होगा। आज वहाँ की स्थानीय ब्राह्मण से करें कि हम प्रीतम लोधी परिवार के यहाँ कोई भी धार्मिक अनुष्ठान करने नहीं जाएंगे, मेरा इतना ही कहना। वो क्या वहाँ जाके प्रीतम लोधी मुर्दाबाद, 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 प्रीतम लोधी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, प्रीतम लोधी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। प्रीतम लोधी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, प्रीतम लोधी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। प्रीतम लोधी मुर्दाबाद, प्रीतम लोधी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, प्रीतम लोधी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। रेल में चलने वाला नहीं है वो। ऐसा पापी की चिता को अग्नि भी स्वीकार नहीं कर रही है, ये इतना बड़ा पापी है कि अग्नि भी स्वीकार नहीं कर रही है। जो ब्राह्मण की निंदा करता है, संत की निंदा करता है, इस देश की नारी शक्ति की निंदा करता है, उसको स्वयं देवता भी स्वीकार नहीं करते। जय जय परशुराम, जय जय परशुराम, प्रीतम लोधी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, प्रीतम लोधी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, भारत माता की जय, परशुराम भगवान की जय, धर्म की जय, धर्म का जय, सारियों में विश्व का जय, सनातन धर्म की जय, जय जय सियाराम, जय जय सियाराम। प्रीतम लोधी के द्वारा कथावाचक और अन्य ब्राह्मणों की जो निंदा की गई, उसकी हम और शब्दों में निंदा करते हैं, क्योंकि हमारे शास्त्रों को कथन है जो ब्राह्मणों की निंदा करते हैं
ब्राह्मणों से द्रोह करते हैं, ब्राह्मणों का विद्रोह करते हैं, उनका स्वतः विनाश हो जाता है। महाकवि तुलसीदास जी ने भी हमारे ग्रंथ में लिखा है कि मशक दंश बीते हिम त्रासा जिम दिल द्रोह हो कुलनाथा। इस प्रकार की ठंड के सीजन आने पर मशक इन्हें जो मच्छर होते हैं स्वतः नष्ट हो जाते हैं, उनको मारने का प्रयास नहीं किया जाता है। उसी प्रकार ब्राह्मणों से द्रोह करने वाले अपने आप नष्ट हो जाते हैं। ये हमारे तुलसीदास जी का कथन है और बहुत से ग्रंथों का इसमें प्रमाण मिलेगा आपको। ब्राह्मणों से द्रोह करने वाले क्या स्थिति होती है, इसलिए हम और उन्होंने जो महिलाओं के बारे में हमारे पूजनी मातृशक्तियों के बारे में कहा, उसमें भी कहा गया कि जो इसके हृदय में ईश्वर की भक्ति होती है वो इसके ईश्वर के सामने नृत्य करता है। अन्य व्यक्ति में नृत्य करने की क्षमता नहीं होती। आप डीजे पे नृत्य करते वो अलग नृत्य होता है, आप पार्टियों में नृत्य करते वो नृत्य अलग होता है, आप शादियों में नृत्य करते वो नृत्य अलग होता है, लेकिन जो ईश्वर के सामने नृत्य करता है वो ईश्वर भक्ति से प्रेरित होकर के उसके अंतर आत्मा में ईश्वर के भावना प्रेरित होती है, इसलिए वो नृत्य करता है। इसलिए हम इनकी भी और शब्दों में निंदा करते हैं और पूरे ब्रह्म समाज उनसे कहते हैं कि इस प्रकार की आपने जो गलती की है, आपकी गलती जो अक्षम्य है, किसी भी रूप में इसको क्षमा नहीं की जा सकती। तो वहाँ के स्थानीय विप्रबंधु है जो कर्मकांड करने वाले, उस व्यक्ति के घर पर ना किसी प्रकार का कर्मकांड नहीं करें। अगर किसी की अंत्येष्टि कर्म होती है उसमें नहीं जाना, और जो भी धार्मिक आयोजन वो करवाते हैं उसके यहाँ पूर्ण रूप से उसका बहिष्कार किया जाए। ये सभी से मैं हाथ जोड़ करके और कर्मबद्ध विप्रबंधुओं से निवेदन करता हूँ। और जो लालची वाला उसमें क्या बोलेंगे? लालची के मतलब ब्राह्मण के पास तो त्याग होता है, ब्राह्मण में कभी लालच नहीं होता, ब्राह्मण त्यागी होता है। आपने देखा होगा कि हमारे दधीची ऋषि जिन्होंने समाज की रास्ता मैंने डाल दिया था, उनका पत्रकार बंधु तुरंत पहुंचे। अब ये इधर भी करो यार, हो गया हो गया, एक ही बात नहीं, उस पर पुजारी संघ कार्रवाई करेगा, पीछे नहीं छोड़ा। अभी नहीं होना चाहिए कार्रवाई।